उम्मीद है दोस्तों आपने इन्हें तो पहचान ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक इन्हीं के ऊपर है, इनके ऊपर आज हम करने वाले ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले भाई, हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे इस वीडियो को। तो यार मेरे एक क्लाइंट कहूँ या फिर मैं कहूँ मेरे एक सब्सक्राइबर, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम आजकल जो बहुत ज्यादा चर्चे में टॉपिक उसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो यार मुझे इतना ज्यादा, मैं न्यूज भी नहीं देख पाती, ये बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि काफी टाइम से मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं किए है। तो आप देखिए ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, इनके बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, इनके लव के चर्चे काफी ज्यादा फेमस भी है और काफी ज्यादा चर्चे में है। तो यार जब मैंने इनकी स्क्रीन देखी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक इन्हीं का नाम लिया था, सीमा हैदर का, तो उन्होंने जब कहा कि भाई इनके ऊपर कुछ बताइए तभी हम आपको मानेंगे कि हाँ भाई एक आप अच्छी ब्यूटिशियन हो, तो यार इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई शक होगा कि मैं एक अच्छी ब्यूटिशियन हूँ और आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं लेके आती रहती हूँ। ओके, तो जब ये डिमांड हुई तो यार मैं पीछे कैसे हट सकती थी और वो चैनल मैंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद मैंने क्या करा, वीडियोस बनाना शुरू करी। तो यार ये वीडियो स्पेसिफिक उसी पर्सन के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो जब मैंने उनकी स्किन देखी, क्योंकि यार मैं ब्यूटिशियन हूँ तो डेफिनेटली मैं स्किन से रिलेटिव भी कुछ बता सकती हूँ या हेयर स्टाइल से रिलेटिव, तो इसलिए जब मैंने उनकी स्किन देखी और मैंने देखा कि उनकी स्किन यार बहुत ज्यादा ऑयली है और साथ ही ऑयली होने के साथ साथ वो पिंपली भी है। डेफिनेटली ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मोस्टली केसों में देखा गया है कि पिंपल्स तो आने ही है। तो इसलिए यहाँ पे भी काफी लोग ऐसे होते हैं, मेरे पार्लर में भी काफी लोग ऐसे आते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है और वो अपने पिंपल्स से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो अगर वैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ वर्बली कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप बेसन का यूज कर सकते हो, बेसन को एज अ पैड बना के भी आप नाइट में यूज कर सकते हो, हफ्ते में एक बार करोगे तब भी चलेगा। अगर ये ट्रिक आपकी काम नहीं करती है तो क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और आज का जो टॉपिक है वो तो गजब का है, सीमा हैदर का है टॉपिक। तो यार आप कैसे मतलब इस चीज को अवॉइड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है या फिर अभी आपको देख के कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी और साथ में आपकी आप खुद उसका लाभ उठा सकोगे, ठीक है। तो अब इस चीज से मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आपको चाहिए नीम की पत्तियां, अगर आपके आसपास पेड़ है, वैसे यार नीम के पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं अब तो, मेरे साइड तो नहीं है, अगर आपकी साइड है तो आप प्लीज कमेंट करके बताना और बताना कहाँ पे रहते हो ताकि मैं आकर वहां से नीम की पत्तियां ले सकूं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। ओके, तो इसीलिए आप मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा आप कौन से एरिया से कौन सी जगह से मेरी वीडियोस देखते हो, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इसलिए तो आप ये कॉमेंट कर देना। ओके, और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने ये बात आपको दो तीन बार रिपीट कर दी है तो अब फिर से रिपीट नहीं करूंगी। तो चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इनकी स्किन देखनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आप सब लोग तो आईफोन वाले ही हो, तो आप इनकी स्किन को थोड़ा सा जूम करके देखिएगा और देखिएगा इनकी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हैं। तो यार जैसा देखा गया है कि एक एज पे आके पिंपल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, बट इनके अभी तक रिमूव नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो ब्लड है वो क्लीन नहीं रहता है। तो ऐसी समस्या काफ़ी सारे लोगों में देखी गई है, मेरे पार्लर में भी काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनकी स्किन पे अभी तक मतलब लाइक 40 के आसपास की एज में भी ये पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपका खून जो है वो गंदा है, लाइक मतलब कि आपका जो ब्लड है वो साफ नहीं रहता है और इससे रिलेटिव आपको स्किन प्रॉब्लम रहती है। जिन लोगों का ब्लड क्लीन नहीं रहता है उसी से रिलेटिव आपको स्किन प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी बताने वाली हूँ वो सारी चीजें जरूर इफेक्ट करेगी आपकी स्किन पे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीम की पत्तियां ले लेनी है। चलो मैं आपको करके दिखाई देती हूँ कैसे क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज बताऊंगी सारी इंपॉर्टेंट है और अगर आप भी परेशान हो पिंपल्स से तो ये करना बिल्कुल ना भूले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे नीम को पीस पास के सब कुछ करके तो ये एक पेस्ट टाइप पे बना लिया है। तो मैं आपको ये आफ्टर वीडियो दिखा रही हूँ कि ये
कैसा बन के कैसा नजर आता है। तो अगर आपके भी इस टाइप के पिंपल्स हैं तो ये आप लोगों के लिए ही है वीडियो, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यार देखने में तो ये कुछ ऐसा लग सकता है आपको रायता टाइप में, लेकिन ये वैसा नहीं है। ओके, तो इसको बनाने में भी काफी मेहनत लगती है। तो अगर आप अपनी स्किन को लेके थोड़े से भी एक्टिव हो या फिर उसको लेके थोड़े टेंशन में हो कि यार मैं अपनी स्किन कैसे ठीक करूं, बहुत ज्यादा काफी लोग होते हैं, जैसे काफी लड़कियां होती हैं कि अपने बालों को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहती है कि यार मेरे को ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किन को लेके भी काफ़ी टेंशन में रहते हैं। तो अगर आप उनमें से हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ले लेना है एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ पे क्या है, मेरे जो रूफ है, छत है, उस पर एलोवेरा मैंने लगा रखा है क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। इसलिए तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक एलोवेरा ले लिया है और उसका जेल अलग से निकाल दिया है। यार जब मैं जेल आपके सामने निकाल के दिखा दे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप लोग अवॉइड करते हो, स्किप करते हो उसे। तो इसीलिए मैंने क्या करा, पहले ही जेल निकाल के दिखा दिया। और उसके बाद क्या करा मैंने, नीम की पत्तियां ले ली। देखो नीम की पत्तियां अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आपको मार्केट में जाके खरीद के लेके आने पड़ेगी। यार क्या जमाना आ गया है ना, हमें नीम की पत्तियां भी खरीदने पड़ रही हैं। तो अगर आपके पास पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी पत्तियां आप इकट्ठी कर लीजिए क्योंकि ये नीम की पत्तियां आप बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और मैंने क्या करा है, मैंने इसे मिक्सी में मिक्स करके इसे पीस लिया और इसका इस टाइप से काढ़ा बना लिया। ओके, तो आपको भी इस टाइप से ही करना है। और याद रखिएगा जिस भी बर्तन में करोगे वो बर्तन बहुत बुरी तरह से कड़वा हो जाता है, तो इसीलिए आप एक ऐसा बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा जो कि आपके लिए यूज में ना हो। ओके, तो मैंने कुछ ऐसे बॉल्स वगैरह निकाल रखे हैं जो कि मैं इन्हीं सारी चीजों के लिए यूज करती हूँ। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले बेसन मिला लिया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बेसन भी लगा सकते हो। अगर आपको नीम से एलर्जी है, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को होगी, लेकिन फिर भी आप उसे अवॉइड करते हो तो आप बेसन भी, खाली बेसन का यूज भी कर सकते हो। ओके, लेकिन बेसन जो है वो पतला वाला बेसन होना चाहिए, मोटा वाला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ गुलाब जल, इसे बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी अच्छी आएगी, और इसमें ये नीम है तो डेफिनेटली इसका टेस्ट भी आपको कुछ अजीब सा लग सकता है, हो सकता है आपको इसकी स्मेल कुछ अजीब सी लगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेना है और उसको चम्मच की मदद से अच्छे से उसे मिक्स कर देना है, उस तरह से मिक्स करना है जैसे आप पकोड़े वगैरह तलने जा रहे हो। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट करके देखना है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आप टेस्ट भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि अगर आपका ब्लड गंदा रहता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ब्लड है वो क्लीन नहीं रहता है, आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पिंपल्स इसी वजह से रहते हैं क्योंकि खून गंदा रहता है, तो आप उसमें करेले का जूस या फिर नीम का जूस भी पी सकते हो। एक दो बार पीने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, हो सकता है आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो रही है और साथ ही आपका जो ब्लड गंदा था वो भी क्लीन होना शुरू हो गया है, फिल्टर हो गया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और सबसे पहले आपको लगाना किस तरह से मैं वो बता देती हूँ, आपको एक कॉटन लेनी है और जिस जगह पे आपके पिंपल्स होते हैं हो रहे हैं उसको अच्छे से उस जगह पे अच्छे से मसाज करनी है। आप कॉटन से नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि हम स्क्रबिंग वगैरह करते हैं चेहरे पे, तो उस टाइप से भी कर सकते हो। तो ये एक एज अ मसाज टाइप में हो जाएगी जो कि आपके चेहरे को काफी अच्छा रिलीफ फील कराएगी। ओके, तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगती है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सीमा हैदर को टैग करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि काफी इफेक्टिव है और जब भी आप इस चीज का इस्तेमाल करोगे तो आप खुद देखोगे कि हाँ भाई आपके चेहरे पे वो चीज नजर आई है जो आप लाना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात यार, वीडियो काफी मेहनत से बनती है, काफी टाइम भी लगता है और आप सभी लोगों ने नोटिस भी किया होगा मैं काफी समय से अवेलेबल नहीं थी और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो काफी टाइम बाद आई हूँ, तो इसीलिए यार एक लाइक तो जरूर बनता है। तो एक एक लाइक जब करोगे तो डेफिनेटली वीडियो आगे तक जाएगी और जहां तक पहुंचानी है वहां तक तो जरूर जाने चाहिए। ओके, सो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।